फतेहाबाद के पोश इलाके स्थित चार मरला कॉलोनी में खाली पड़ी दुकानें और बेसमेंट आवारा गर्दी और नशाखोरी करने वालों के लिए आदर्श जगह बनी हुई है। चार मरला कॉलोनी में बने एक शॉपिंग मॉल के खाली पड़े बेसमेंट में आज एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। युवक युवती दोनों बेसमेंट में अर्धनग्न हालत में थे। आसपास के लोगों ने जब उन्हें देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। आशंका जताई जा रही थी कि दोनों ने नशा किया हुआ है, इसलिए पुलिसकर्मी उन्हें पहले नशा मुक्ति केंद्र ले गई और उनकी जांच करवाई गई। बताया जा रहा है कि युवक युवती दोनों ही नशे के आदी हैं और पहले भी पुलिस में इनके विरुद्ध मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। चार मरला कॉलोनी में बेसमेंट है, बेसमेंट नीचे खाली जगह है, दुकान बंद पड़ी है, कहीं किराए पर तो नहीं है। तो हमें सूचना मिली पब्लिक की तरफ से कि लड़का और लड़की दोनों नग्न अवस्था में पड़े हैं, तो दोनों को उनके खिलाफ कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार दोनों के खिलाफ अभियोग अंकित किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है नशा किया हुआ उन्होंने। पहले भी इसके लड़के के खिलाफ दर्ज है, जिसने एचसी का मुकदमा दर्ज है, स्मैक का भी दर्ज है, नशे का भी है, लड़के के खिलाफ भी है। अब यही है उसके साथ ही पहले ये फतेहाबाद गए दोनों। तो क्या कार्रवाई की जा रही है दोनों खिलाफ? अभियोग अंकित कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं सर जो पकड़े गए? कुछ नहीं, ये तो यही कह रहे हैं गलती होगी। तो कुछ सामान बरामद भी है? ऐसा कुछ सामान बरामद देखो, दवाई दो बरामद हो इनके पास। मामला दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि चार मरला कॉलोनी इलाके में बड़ी संख्या में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जो खाली पड़े हैं। अंधेर और एकांत का लाभ उठाकर नशेड़ी और असामाजिक तत्व यहां पर नशे का सेवन करते हैं। पहले भी इस बेसमेंट में नशे में प्रयोग होने वाले सामान बरामद किए जा चुके हैं। बावजूद इसके ना तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने और ना ही पुलिस प्रशासन ने कोई एहतियातन कदम उठाया है। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।